राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अनु की प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी कहीं क्या, मैं डॉक्टर के जा रही थी तो बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट था मेरा। अपॉइंटमेंट मैंने मॉर्निंग में ही ले लिया था। तो बस चलते चलते कहते ना, कभी कभी अच्छा लगता है कुछ चीज़। और बहुत दिन से सोच रही थी, मैंने अब एक बार आपको देखा भी होगा, मैंने वीडियो में भी डाला था, लेकिन बस मैं उसको देख देख करके रह गई थी। और मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि मुझे ये चीज़ लानी है, ठीक है। तो अब की बार मैं गई थी, नर्सरी गई थी, और नर्सरी में ना वाकई बहुत मन लगता है। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, बहुत स्ट्रेस फील महसूस कर रहे हो ना, तो नर्सरी में चले जाओ या प्रकृति के पास बैठ जाओ तो बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। तो बस मैं रास्ते में ही पढ़ रही थी, अगर नहीं पढ़ती तो शायद मैं नहीं जा पाती, सही बताऊँ तो। और थोड़ा सा ना मुझे वॉमिटिंग वगैरह की दिक्कत है, तो मैं उतर गई थी। अब बस जब देखा कि प्लांट्स हैं, चलो मैं देखती हूँ। पहले तो ऐसे सोचा कि चल वीडियो बना लेती हूँ, लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब देखा ना कि मैंने ऐसे ही पूछ लिया भैया से कि भैया आपके पास चीकू का पेड़ है, तो भैया ने बोला कि हाँ जी है। और मैंने देखा तो बाकी ना बहुत, फिर मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाई। और मैंने अपनी बहन के यहाँ देखा था चीकू का पेड़, और मुझे बहुत पसंद आया कि मतलब एक ऐसा फल है ना जो बहुत ही हेल्दी है सभी के लिए, और वो होता भी है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होने में। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब तो अनु ही लेके ही जाना है। तो मैंने फिर इनसे बोला कि मुझे ना बस कुछ मतलब ये चीकू का पेड़ दिलवा दो। तो अब चीकू का पेड़ लिया है तो घर मेरा पक्का है, तो मुझे उसमें रखने के लिए मैंने पहले ही पूछ लिया था भैया से कि भैया ये हो भी जाएगा कि नहीं, आप एक बार बता दीजिए, कभी हो नहीं और मैं लेके भी जाऊँ और फिर मैं मुझे दुख हो। तो भैया ने बोला कि आप ना एक बहुत बड़े वाला चौड़े वाला वो ले जाइए जो गमला है, और ये फाइब्रिड वाले हैं, और तो ये तो फिर जल्दी से मतलब बहुत स्पीड से हो जाएंगे, आप इसमें ये वर्मिश्र वगैरह डाल दीजिएगा। तो देख गमले भी थे सुंदर सुंदर, तो मैंने बड़े वाला लिया। दिखा रहे थे वो भैया मुझे कई दिखा रहे थे, लेकिन मुझे फिर उन्होंने बोला कि जी भाभी जी ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इनको भी पसंद आ गया था वही गमला कि कभी टूट जाए बीच में तो फिर यह है कि लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा इतना तो हो कि चले और रिपीट बढ़ जाए। तो बता रहे थे कि 5-6 फुट पर ही ना इसके फ्लावर मतलब फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे, फ्लावर तो इसमें अभी भी आ रहे थे। तो मैंने भैया से कह के और अच्छा सा लिया है, तो ये वाला था देखिए जिसे मैं सिलेक्ट कर रही थी। पर ना ये वो बोले कि इसकी ना कन्नी बहुत स्पीड से टूट जाएगी, फिर आप फिर परेशान होगे। तो महंगे भी थे, मैंने थोड़ा सा कम भी करवाए भैया से कह के। अब देखो हम लेडी हैं तो मोल भाव तो स्वाभाविक है, लेकिन ना हस्बैंड नहीं करते बिल्कुल भी मोल भाव। मैं उनसे बोलती हूँ कि मोल भाव हमेशा करना चाहिए, तो बोलते हैं कि ये तो जो धर्म है ना आप लोगों का है, आप करिए मोल भाव, हमें नहीं, मुझे नहीं करनी, अगर करनी है तो अपना आप कर लो। तो बताइए भी कोई बात होती है, बताओ किसके हस्बैंड ऐसे करते हैं कि मतलब बिल्कुल भी नहीं करते मोल भाव, 10-20 रुपये भी बिल्कुल नहीं करते। मैं करती हूँ भाई, मैं अपनी बताती हूँ, मुझे तो बहुत आदत है मोल भाव करने की। मानो कोई चीज़ 1000 की है तो मैं 800 ही दे के आऊँगी, या 900 ज़्यादा से ज़्यादा 850 दे के आऊँगी। तो अब मैं बाहर को आ गई थी क्योंकि तबीयत से ऐसी थी, तो मैं बाहर खड़ी हो गई थी आकर के। तो इन्होंने फटाफट फटाफट उसको सारे पैसे दिए, थोड़े बहुत मतलब आई थिंक 80 रुपीज़ के आसपास, वो मैं ही जब कहने लगी दूर से। तो देखिए कौन सा, मैंने तो ही वाइट वाला लिया है, आप बताना आपको क्या तो कौन सा, क्योंकि इसकी जो ये है ना प्लास्टिक की मजबूत है काफ़ी अच्छी, सॉफ्ट मतलब ऐसी नहीं कि जो टूट जाएगी गर्मी में जल्दी धूप पर रख करके। पर ये देखिए इसके कितने अच्छे फ्लावर आए ना ये वाले, और ये सब बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर थे। गार्डन बाकी बहुत अच्छा था, और इसमें ना एक चीज़ और थी, जैसे जो जिन पेड़ों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उसके ऊपर एक ऐसे झालर सी लगाई हुई थी, छत सी बनाई हुई थी जाल टाइप की, और बहुत प्लांटेशन थे। बल्कि मैं घूम के आई अंदर तक तो मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये जंगल है, और जंगल में ना मुझे बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पीछे से ना कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो बस मैं दूर दूर से ही देख रही थी क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स तो आगे रखे थे, लेकिन पूरा खलिहान था, खेत खलिहान पूरा लंबा चौड़ा था ये गार्डन जो नर्सरी थी। तो मैं अंदर तक नहीं गई क्योंकि मुझे ना बहुत वाकई बहुत डर लगा था, झुंझुंझु की आवाज़ आ रही थी ऐसे हवा के साथ आती है ना। तो भैया बस दिखा रहे थे, और यहाँ वो भी था जो पारिहार का जो पेड़ था वो भी था, पेड़ सारे थे, सारे प्लांट थे, गुलाब वगैरह थे। देख काफ़ी दूर है सड़क है ना, हाईवे बन रहा है हमारे यहाँ से, तो ये अंदर चलेगी नर्सरी पहले फ्रंट पर थी। तो बस भैया उसी के बारे में बता रहे थे कि जहाँ आप ऐसे करना, आप इसकी कटिंग नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, बस आप जाना इसको अच्छी सी मिट्टी में डालना, और खाद वगैरह गोबर का मत डालना इस टाइम क्योंकि उसमें ना कीड़े हो जाते हैं, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा प्लांट। तो देखिए ये बिल्कुल कैसे छतरी सी बनाई हुई है ना, इसमें इसके अंदर वो पेड़ है जिनको पानी की या धूप की बहुत कम ज़रूरत होती है,
और बड़े बड़े पेड़ हैं, पीछे पूरा एकदम नर्सरी में ना ऐसे प्लांट्स हैं जिनको तैयार कर रहे हैं। लेकिन ना मुझे बहुत डर लगा, मैं वापस आ गई थी यहाँ से। काफ़ी बड़ी नर्सरी थी, छोटी बड़ी नहीं, छोटी मोटी नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ और देखूँ प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो मैं वही देख रही थी चलते चलते, और काफ़ी अंदर चली गई थी मैं, पर फिर मैं गई नहीं अंदर तक। ये बोली कि थोड़ा सा ना अपना माइंड सेट हो जाएगा, थोड़ा सा टहल लो। ये वॉमिटिंग होती है ना, तो ऐसे होता है ना पूरी बॉडी में जैसे खिंचाव सा हो जाता है, और ऐसे सर दर्द बिल्कुल, ऐसे स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, ऐसे लगता है बस उतर के ना आप चलो और आप गाड़ी लेके जाओ, मैं पैदल आ जाऊँगी। कभी कभी तो ऐसे शुरू हो जाती हूँ कहना इनसे। तो गर्मी की वजह से, बरसात की वजह से मैं बाइक पे नहीं गई, नहीं तो बाइक का सफ़र मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए प्लांट्स वगैरह वगैरह बहुत सुंदर हैं, ये देखिए सारी चीज़ें, मतलब बहुत पेड़ हैं, तो प्रकृति का वो है ये। तो देखिए बाकी ना जो प्रकृति में मज़ा है वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो प्रकृति की खूबसूरती में रहते हैं, तो वो कितने लकी होते हैं ना, मतलब भगवान ने उनको अपना आप ही गॉड गिफ्ट दे दिया है उस नेचर में रहने के लिए। और हम लोग तरसते हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी प्रकृति को अपने पास ले आएँ, थोड़ा बहुत तो लेके आएँ, ज़्यादा नहीं तो। तो बस आज की मेरी छोटी सी वीडियो है, और बस चलते चलते मैंने बना ली, कहते हैं ना ये तो मेरी खामा खा वाला हिसाब हो गया कि गई थी कुछ और करने, और वहाँ से आके थोड़ा सा बस मिल बननी थी ये वीडियो। और मैं प्लांट्स की बहुत डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और बस की चाहे हो या ना हो मेरे। और ये देखिए बस फटाफट मेरी वीडियो जो है आज की इतनी ही है, और घर जाके भी मैं दिखाऊंगी कि मैं इस पेड़ को लगाऊंगी जब। और साइड में से थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ भी ना बंदर वगैरह इतने होते हैं, तो मैंने इसको कॉर्नर में रखा है। और मैं चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा फल दे कि हम पूरी फैमिली मेम्बर, हम लोग कितने मेम्बर हैं, हम 13 लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस पर इतने इतने फ्रूट्स आएँ कि हम सब खूब झके खाएँ, 13 के 13 लोग, औरों को भी खिलाएँ। तो बस मेरी वीडियो यहीं एंड करती हूँ आज की, और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो मेरे न्यूअर्स है प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, और इन्जॉय कीजिएगा इस वीडियो को। और आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगी अगर भगवान ने इसको सही रखा तो प्लांट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।